मंत्री सालिम मोहम्मद ने असुद्दीन ओवैसी के टोंग दौरे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी को अब लोग समझ चुके हैं, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। उनके दौरे से माइनॉरिटी के वोटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के बजट से माइनॉरिटी के लोग खुश हैं। जहाँ जहाँ ये ओवैसी जी गए हैं वहाँ पर अब लोग ये समझते हैं कि ओवैसी जी जो है बीजेपी की बी टीम है। ये सिर्फ जो दूसरे दल हैं बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके साथ रहते हैं। तो ये आप देखें, राजस्थान की जनता तो पहले समझ चुकी है, पिछली बार भी इन्होंने ट्राई किया था तो राजस्थान के लोग उनके साथ खड़े नहीं रहे। तो ये समझते हैं कि आज माइनॉरिटी का लोग ये समझते हैं कि हमारे भले करने वाला कौन है, हमारे लिए काम कौन कर रहा है। आज तक राजस्थान में दो पार्टियाँ रही है, कांग्रेस और बीजेपी, पर इस बार लोगों ने यह तय कर दिया है जो हमेशा ही रहता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब की बार देखेंगे जो मुख्यमंत्री जी के काम काज हैं, वापस कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और ये जो इतिहास है वो मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि खाचरवास ने आरटीडीसी में दारू बेचने की बात कही थी। उन्होंने कहा है कि वे छात्र राजनीति से प्रताप सिंह को जानते हैं। उन्होंने विधायक कृष्णा पूनिया को नोटिस के मामले में कहा है कि कानून और न्याय प्रक्रिया की सबको पालना करनी चाहिए, अगर वो गलत नहीं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से प्रताप सिंह जी को देख पा रहा हूँ। प्रताप सिंह जी विश्वविद्यालय के अंदर भी उनकी बातों को कोई गंभीरता नहीं लेते थे, बड़े बोले मंत्री हैं, कब क्या बोल जाए कोई पता नहीं है, उनकी विश्वसनीयता भी नहीं है। आज वो किसके साथ खड़े हैं, कल किसके साथ खड़े रहेंगे, विधानसभा चुनाव 2018 से पहले किसके साथ थे, मंत्री बनने के लिए मंत्री की लालसा पैदा होने के उपरांत वो किसके साथ हैं, अब बियर बिकवाए हैं चाहे मीट बिकवाए हैं, वो उनकी सोच है। लेकिन काम वही होना चाहिए जो जनहित के अंदर हो, जो लोक सम्मत हो और जो संवैधानिक हो। भारतीय जनता पार्टी एक केंद्रीय पार्टी है, उस पार्टी का एक संवैधानिक ढांचा भी है, लोकतांत्रिक ढांचा है, उसका एक संसदीय बोर्ड है। संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा। विधानसभा की एक गरिमा है और विधानसभा की गरिमा के अनुसार ही अगर विधायक अपना व्यवहार करे तो वही ज्यादा उचित है। लेकिन कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ है नहीं, इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाकर सदन से भागना चाह रहे हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया है या जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया को जो संविधान सम्मत है सबको सामना करना चाहिए, और यदि कोई गलत नहीं है तो उन्हें डर किस बात का। अब ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमारे विधायकों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।